हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इंजेश। और आज हम क्या देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर में क्या पढ़ेंगे कि कैलेंडर की जो भी कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम कैलेंडर को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कैलेंडर को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने एक मंथ का कैलेंडर लिया हुआ है जो कि संडे से शुरू हो रहा है। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है 1 to 31 पूरा। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग कि हर एक 7 दिन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 हर एक 7 दिन के बाद जो दिन होता है वो फिर से संडे हो जा रहा है। अगर 1 को संडे है तो 7 दिन के बाद यहाँ पे 8वां दिन क्या हो जाएगा, संडे होगा। ठीक है, यानी 8 के बाद 8 से जब गिनेंगे तो फिर 8वां दिन क्या होगा, संडे होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 फिर ये 8वां दिन फिर से संडे हो गया। ठीक है, तो यानी क्या हो रहा है कि हमारा जो दिन है हर एक 7 दिन में हमारा जो डे होता है वो क्या करता है, रिपीट करता है। तो हमसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 1 जनवरी को संडे था, ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर 1 जनवरी को संडे था 2023 में तो कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा कब 1 जनवरी 2024 को। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा 1 जनवरी 2024 को, तो अब हम क्या करेंगे, कैलेंडर ढूंढने जाएंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हमको इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। हमको क्या पता चल रहा है कि हर एक 8वें दिन, हर 7 दिन के बाद हमारा जो दिन हो रहा है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको दिन क्या हो रहा है, केवल 7 ही आने, संडे से लेकर सैटरडे तक। तो अब हम क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे। अब पहले ये पता करेंगे कि 23rd का जो ईयर है वो कहीं लीप ईयर तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, नहीं है लीप ईयर, नहीं है लीप ईयर। कैसे पता करेंगे, जो भी नंबर्स डिवाइड हो जाए 4 से वो लीप ईयर में आएंगे। ठीक है, जो भी ईयर हमारा है वो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर होगा। तो अगला साल जो होगा 2024, इसमें फरवरी में 29 डेज होंगे, ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है, अब चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जनवरी से देख रहे हैं, 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी तक, तो इसके बीच में फरवरी किस में पड़ेगी, फरवरी केवल 2023 में पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमको फरवरी इसकी लेनी, इसकी फरवरी का लीप ईयर है नहीं, तो टोटल डेज कितने हैं, 1 जनवरी से 1 जनवरी पूरा का पूरा एक साल, तो टोटल डेज कितने, टोटल डेज है 365, टोटल डेज कितने, 365, एक साल का अंतर ले रहा है। अब मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि हर एक 7 दिन के बाद हमारा दिन फिर से रिपीट हो रहा है, हर एक 7 दिन के बाद, जैसे हम लोग टेबल पढ़ते हैं। तो क्या होगा, और अब ये क्या होगा कि अब हर 7 दिन में डे बदल रहा है, तो 1 जनवरी से 1 जनवरी 365 दिन आए बीच में, तो हर एक 7 दिन में दिन बदलेगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 35 कैरी 1, 7 × 2 = 14, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसमें जो रिमाइंडर बचता है, यानी कि ये पूरा 52 जो वीक्स है, 52 बार रिपीट होगा, 52 बार ये क्या होगा, रिपीट होगा, तो यानी कि 52 वीक्स आएंगे, 52 हफ्ते आ जाएंगे बीच में, और ये जो वन रिमाइंडर बच रहा है, ये जो रिमाइंडर बच रहा है, शेष बच रहा है एक, तो ये क्या होगा, ये दिन में बदलाव होगा कि उस दिन जो 1 तारीख को जितना भी दिन रहा होगा उसमें 1 दिन का चेंज होगा, 1 दिन बाद जो दिन आ रहा है वो आएगा 1 जनवरी 2024 को। तो एक हमारा कब आ रहा है, 2023 का जनवरी संडे को, इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में कि 1 जनवरी 2023 कब आ रही है, संडे को आ रही है, तो 1 जनवरी 2024 कब आएगी, उसमें 1 दिन का चेंज होगा, तो संडे के बाद क्या आता है, 1 दिन के बाद, 1 दिन के बाद आता है मंडे, तो
हमारा क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन आएगा, मंडे आएगा। ठीक है, अगर हमको नया क्वेश्चन मिले कि 18 जनवरी को 2023 में कौन सा दिन पड़ रहा था, वेडनेसडे पड़ रहा है, बुधवार पड़ रहा है, तो 26 नवंबर 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, कि अगर 18 जनवरी 2023 को वेडनेसडे है, बुधवार है, तो 26 नवंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, दिन गिनते हैं, जल्दीबाजी नहीं करनी हमको उसमें, जैसे जितना जल्दीबाजी करेंगे उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे उसमें गड़बड़ करने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इत्मीनान से करेंगे। सबसे पहले हमको ये पता है कि भाई इसमें डेज कितने होते हैं, हमको पता है कि जनवरी में 31 दिन होंगे, फरवरी, अब चूंकि ये लीप ईयर है नहीं तो 28 दिन का होगा। ठीक है, फिर मार्च हमारी 31 की होगी, अप्रैल 30 दिन की होगी, अप्रैल के बाद मई 31 की होगी, जून 30 का होगा, जुलाई 31 की होगी, अगस्त 31 का होगा, सितंबर 30 की होगी, अक्टूबर 31 का होगा, नवंबर 30 का होगा। ठीक है, हमको जनवरी से नवंबर तक जाना है, जनवरी से नवंबर तक हमको जाना है, तो ये दिन उसमें पड़ेंगे, क्योंकि इतने दिन होते ही है, जनवरी में 31 दिन होंगे, फरवरी में 28 दिन होंगे, ऐसे करते करते हर एक महीने का इतने दिन होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इसमें गिने कि अब 18 से 18, ठीक है, कि 18 जनवरी से 18 नवंबर के बीच, 18 से 18 तो एक महीने का गैप हो जाएगा, एक महीना फिक्स। ठीक है, तो एक तरीका ऐसा होगा कि इन सभी को ऐड करें, फिर उसके बाद 7 से डिवाइड करें, क्योंकि 7 हर 7 दिन के बाद हमारा दिन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं कि हर एक महीने में कितना चेंज हो रहा है। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, इसमें भी हर एक 7 दिन के बाद तो रिपीट हो रहा है ना, हर एक 7 दिन के बाद 8वां दिन हमारा सेम वही पड़ रहा है। अगर 1 तारीख को संडे था तो हर 8 तारीख को भी संडे होगा, हर 8वें दिन हमारा दिन सेम दिन आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या पता चल रहा है कि इसको जब 7 से डिवाइड करते हैं, इसको जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 बार कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कितना बचता है, 3। ठीक है, 7 चौक 28 और प्लस 3, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। यानी कि जनवरी में जो 1 तारीख को जो भी डेट रही होगी, तो उसके बाद जो अगले महीने में जो भी डेट आएगी, 1 फरवरी की जो डेट आएगी, उसमें 3 दिन का अंतर होगा, संडे था तो 3 दिन का अंतर, वेनसडे, तो 1 फरवरी जब आएगी वो क्या हो जाएगा, वेनसडे होगा। ठीक है, तो हर एक मंथ में 3 दिन का अंतर पड़ रहा है, कब, जब वो मंथ 31 दिन का होगा तब। अगर 31 दिन का महीना है तो उसमें कितने दिन का चेंज होगा, 3 दिन का चेंज होगा। ठीक है, अगर 30 दिन का महीना है तब 7 चौक 28 और 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर 30 दिन का महीना है तो उसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, अगर 31 दिन का महीना है तो उसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो जहां जहां 31 दिन है, अब ये फरवरी 28 दिन की है, फरवरी 28 की 28 को जब कट करेंगे, 7 चौक 28 कंप्लीटली कट हो गया, कुछ रिमाइंडर नहीं है, तो यहाँ पे हमको कुछ लेना ही नहीं, क्योंकि वही सेम दिन आएगा। और बाकी में अगर 31 दिन का महीना है तो 3 चेंज हो गए, 30 दिन का महीना है तो 2 चेंज होंगे, 2 दिन का चेंज आएगा। ठीक है, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 3, 2 3 2, ऐसा होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम 18 जनवरी से 18 नवंबर तक का लेंगे। ठीक है, 18 जनवरी से 18 नवंबर तक, तो वहाँ पे फिक्स महीने होंगे, तो जनवरी में 3, जनवरी का 3, मार्च का, क्योंकि फरवरी में 0 है, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3,
जून का 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये नवंबर, ठीक है, जनवरी से नवंबर तक, ठीक है। अब चूंकि नवंबर का महीना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, नवंबर को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नवंबर जब कंप्लीट होगा तब दिन चेंज होंगे, अभी नवंबर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जनवरी, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का हम काउंट करेंगे, कितना हुआ, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 15, 3 × 6 = 18, कितना हुआ 8 × 6 = 24, ठीक है, 24 days। अब इसको क्या करेंगे, हर 7 दिन के बाद चेंज हो रहा है, क्योंकि चेंज होंगे, ठीक है, तो 7 × 3 = 21 और 3 रिमाइंडर, ठीक है, 3 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 18 जनवरी से 18 नवंबर तक, 18 नवंबर को तीसरा दिन पड़ेगा, मानी 3 दिन का चेंज आएगा, 3 दिन का चेंज आएगा, तो 18 जनवरी को वेडनेसडे था, ठीक है, इसके 3 दिन का चेंज आया, 1, 2, 3, ठीक है, तो क्या पड़ेगा, सैटरडे पड़ेगा, 18 नवंबर क्या पड़ा, सैटरडे पड़ा। अब हमने तो 18 नवंबर पूछा नहीं था, तो 18 नवंबर क्यों किया, क्योंकि 18 नवंबर जो है 18 जनवरी से ज़्यादा पास है 26 नवंबर के, ठीक है, तो 26 नवंबर यहाँ से कितना दूर है, 26 18 से कितना दूर है, 8 दिन दूर है, यानी कि 8 दिन मतलब कितना होगा, 7 से डिवाइड करेंगे और 1 दिन का चेंज आएगा, ठीक है, क्योंकि हर 7 दिन में केवल 1 दिन का इसमें एक्स्ट्रा है, तो कितना दिन का चेंज आएगा, 1 दिन का चेंज आएगा, वो 1 दिन बढ़ेगा। तो सैटरडे था कब, 18 नवंबर को क्या था, सैटरडे था, ठीक है। अब 18 नवंबर से 26 नवंबर तक कितने दिन का चेंज हुआ, इतना तो हम लोग उंगलियों पे भी काउंट कर ले, ठीक है, तो ये कितना आएगा इस दिन, हमने इस प्रोसेस से किया कि 8 दिन का चेंज आ रहा है, 8 दिन का चेंज मतलब 1 हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा और 1 दिन बचेगा, जो 1 दिन बचेगा वो दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा इस दिन, सैटरडे के आगे 1 दिन क्या हो जाएगा, संडे, क्या पड़ेगा, 26 नवंबर को क्या पड़ जाएगा, संडे पड़ जाएगा,